ये घटना है शिवनगर घघरा पंचायत थाना बखरी जिला बेगूसराय के 12/3/2015 को करीब लगभग 10 बजे बज रहा था। रात्रि को खुदिया देवी अपने बच्चों के साथ अपने घर में सोए थे। अचानक उधर से एक ट्रक आए और उसके घर पे हमला कर दी, जिस हमला से खुदिया देवी को वहीं घटनास्थल पे मौत हो गई और उसका बड़ा बेटा घायल हो गया और दो बच्चियाँ थी वो भी घायल हो गई। डेट हो गई और गरी उधर आया, मैं तब सोया था, आया धक्का मार दिया बजरंग बली, चारों पिलर उखाड़ के मेरे मम्मी पर मेरे पर धर दिया। मैं सोया था जब दो बहन था, मैं दो बहन तो निकल चुका था, मैं और मेरे मम्मी फंस गए थे। फंसने के बाद मैं तो निकल गया, मेरे मम्मी डेट हो गई। आप पढ़ाई भी करते हैं? हाँ। कौन क्लास में पढ़ रहे थे? पचमन थे, पढ़ाई छोड़ दिए थे। आगे पढ़ना चाहते हो? आगे पढ़ना चाहते हैं। यदि हमारे हम लोग के पास जमीन रहता ये घटना नहीं होता, कहे कि यदि घर रहता तो फिर हम लोग यहाँ आते क्यों? नहीं था जमीन, इसलिए यहाँ आना पड़ा। किसी के चार पांच बच्चे हैं, पांच बच्चा है, किसी के मैंने जो पांच धूर का जमीन है उसी में घर बनाया बूढ़ा, और उस बूढ़े घर में चार पांच दीवार बना बना के छोटा छोटा रूम बना के रह रहा है आदमी। तो जमीन न है इसकी, इसीलिए नहीं सब ऐसा हो रहा है। जमीन यदि रहता तो आज ये घटना हमको दिखना नहीं पड़ता। किनको शौक है जो हम जाके रोड पे जाके मरे, फुटपाथ पे जाके मरे? हम लोगों ने जिला प्रशासन और अनुमंडल प्रशासन से मांग किया है कि इस महिला के मृतक परिवार के जितने भी सदस्य हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उसको पूर्ण रूप से पढ़ाई के मैंने शिक्षा का गारंटी करे, 5 डिसमिल जमीन मिले और उसको 5 लाख रुपया का मुआवजा देने का जो है सो हम लोगों ने मांग किया है। मेरा जहां तक कहना है कि ये जो घटना हुआ हमारे ग्राम पंचायत के अंदर, इस घटना को हमें जहां तक होगा अपने स्तर से पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ हम इसको झेलेंगे, और झेलते हुए उस गरीब के परिवार को जो सही मुआवजा और लाभ होगा वह दिलाने का काम करेंगे। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई हूँ कि खुदिया देवी के घर परिवार वाले को लाभ मिले। इसके लिए आप मेरा मदद कर सकते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार का मोबाइल नंबर है 94-73-19-14-18 पे कॉल करके उन पर दबाव बनावे और इनका मुआवजा दिलाने में मेरा मदद करें। मैं इंदु जिला बेगूसराय बिहार से इंडिया नट के लिए।